सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर सुराख को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि हमारी मोटर थोड़ी सी आगे आ जाए। उसके बाद हमने अपनी जो गियर मोटर को यहाँ पर दो स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर दो वाशर रखी हैं, अंदर एक प्लास्टिक की एक स्पेसर रखी है जिसके ऊपर वो एज अ पुली काम कर रही है, जिसके ज़रिए ये धागा उसके ऊपर लिपटा हुआ है। दोस्तों धागा लिपट कर इस साइड पर आ रहा है, इस साइड पर जो है दो बैरिंग हैं और साथ में हमने एक एंगल का स्टैंड बनाया है जिसके ऊपर ये बैरिंग फिट है। तो दोस्तों हमने इस तरह ही इसको स्टैंड को बनाना है ताकि ये बैरिंग ईजिली इसके ऊपर काम कर सके। तो दोस्तों अब ये एक सारा काम करने के बाद जो हमने ये धागा लगाया था फजूल, ये जो धागा लगाया था इसका जो फालतू पार्ट है इसको हम काट देते हैं। दोस्तों धागा लगाने से पहले बिल्कुल फ्री था, ये मूव करता था, अब ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि धागा इसके साथ अटैच हो गया है। तो अब ये यहाँ पर मूव नहीं कर सकता जब तक हम इस मोटर को ऑन नहीं करेंगे। तो वो हम इस मोटर की वायरिंग करते हैं और इसको ऑन करते हैं। दोस्तों वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक सुराख करेंगे जिसके अंदर हम डीसी जैक को लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक सुराख कर लेते हैं छोटा सा जिसके अंदर हमारा डीसी जैक लग जाए। और दोस्तों ये हमारा डीसी जैक है, इसको हमने सुराख करके यहाँ पर फिट करना है। तो मैं अभी यहाँ पर सुराख करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर सुराख कर लिया है, उसके अंदर भी अंदर सुराख कर लिया है ताकि हमारी जो डीसी जैक की जो तारे हैं वो इसके अंदर से निकलकर इस मोटर के अंदर चले जाएं। तो अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों वायरिंग करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो इसकी बेस है जहाँ हमने कैमरे को लगाना है, तो अगर इस पर कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं लगी होगी तो ये ऑटोमेटिक ये हिल भी सकती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, यानी कि ये यहीं पर खड़ी हो जाए, इसको सपोर्ट देने के लिए हम ये नाइडियम के मैग्नेट लगाएंगे दो, एक निचली साइड पे और एक इस साइड पर, ताकि दोनों आपस में जुड़े रहें मैग्नेट। जब हमने खोलना होगा तो थोड़ा सा जोर लगा कर हम इसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों नाइडियम के मैग्नेट हैं, ये मैंने हार्ड डिस्क में निकाले हैं, तो इन पर डबल टेप लगा कर मैं इस पर लगा देता हूँ। ये मैंने एक साइड जोड़ दी है, उसके बाद दोस्तों मैं दूसरी साइड जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों अब ये हमने एक मैग्नेट यहाँ पर लगा लिया है और एक यहाँ पर, अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर दोस्तों मजबूत हो चुका है, आपका कैमरा हिल नहीं सकता। अगर ये नहीं लगा होगा तो आपका ये कैमरा बार बार हिल भी सकता है स्लाइडिंग के दौरान, तो आप चाहें तो इसे उठा भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे लगा भी सकते हैं। तो इस तरह ये बेहतरीन मजबूत हो जाएगा। तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डीसी जैक है, इस पर मैंने ये दो तारे लगा ली हैं, इन दोनों तारों को एक मैंने नेगेटिव साइड पर जोड़ लिया है, एक पॉजिटिव साइड पर, तो इन दोनों को मैं अब सोल्डर कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर सोल्डर कर लिया है। अच्छी तरह सोल्डर करने के बाद मैं दोनों तारे इस सुराख के अंदर डाल देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा जोर लगा कर मैंने इसको इस सुराख के अंदर फिट कर लिया है। फिट करने के बाद इसके दोनों तारे निकलाई हैं, तो इन दोनों तारों को मैं अब मोटर के ऊपर सोल्डर कर देता हूँ। तो ये दोनों तारे मैं एक इस साइड टर्मिनल पर जोड़ देता हूँ इस मोटर की, और दूसरी साइड पर इस वाले टर्मिनल पर जोड़ देता हूँ। तार मैं इधर जोड़ देता हूँ दोस्तों। मैंने एक टर्मिनल जोड़ दिया, उसके बाद मैं दूसरे टर्मिनल को जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब हमने दोनों तारों को जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वायरिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम ये काम करना है कि हमने इसके ऊपर कैमरे का स्टैंड लगाना है जिसके ऊपर हमने अपना कैमरा या मोबाइल वगैरह को जोड़ना है। तो कैमरे का स्टैंड लगाने के लिए हम इसके दरमियान में एक होल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कैमरे का स्टैंड है, जैसा हमने डोली कार के लिए बनाया था ये वैसा ही स्टैंड है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो डोली कार वाली नहीं देखी तो उसे आप देख सकते हैं जिसके अंदर हमने स्टैंड को तैयार किया था। तो दोस्तों अब मैं यहाँ दरमियान में सुराख कर लेता हूँ और उसके अंदर इसको फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब इसके अंदर दोनों तरफ पर सुराख हो चुका है,
ये मैंने इसलिए किया है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा नट हो तो इसके अंदर चले जाए, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके अंदर फालतू इसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इस सुराख के अंदर अपने स्टैंड को लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब मैं इसके नीचे नट को टाइट कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब हमने इसको अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद हमारा जो ये DSLR का जो स्टैंड है कैमरे का, ये अच्छी तरह फिक्स हो गया है। इसको फिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसका टेस्ट करते हैं, क्या है हमारा ये काम करता भी है या नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो इस स्लाइडर की पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।